नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें करेंगे आज की तैयारी। वीकली क्लोजिंग होगी आज, लेकिन बाजार पे कल से थोड़ा सा सेंटीमेंट हायर लेवल पे थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया। बहुत तेजी के बाद क्रेडिट पॉलिसी जैसे ही आई तो एक अच्छी खबर के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। बजट और पॉलिसी क्या बीती, आपका अटायर देखे और पर्सनैलिटी बदल गई आपकी। बजट आपकी नहीं बदली, जैसे आपकी भी कम स्मार्ट नहीं लग रहा वैसे आप मुझसे। स्मार्ट स्मार्ट करके मतलब हर बार आप स्मार्ट ही बोलते हैं। आप कुछ बोलिए ना, मतलब इस चीज़ को लेके कि इतने बड़े दो इवेंट्स निकल गए, उसके बावजूद भी देखिए बाजार टिका हुआ 11,000 के आसपास के लेवल्स हैं। थोड़े संकेत अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो दो इवेंट्स बाजार ने बड़े बड़े बचा लिए और उसके बाद भी 11,000 के ऊपर आप सस्टेन कर रहे हैं, तो बाजार की पर्सनैलिटी भी देखिए। इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप जब एशियन मार्केट से बताना शुरू करेंगे ना, उससे पहले मैं थोड़ा सतर्क कर रहा था कि आज ज्यादातर एशियन मार्केट, इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स में भी मुनाफा वसूली। इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन आप हमारे जो डोमेस्टिक संकेत हैं, जो घरेलू पर्सनैलिटी, वो काफी मजबूत है, जिस वजह से मार्केट देखिए इतने दुरुस्त आपको नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए यूएस के मार्केट कल गिर के बंद हुए, निकेई इनफैक्ट अब 1.5% की गिरावट है। बजट शुरुआत जब हुई थी तो 1% के आसपास ही कमजोरी थी। यूएस के मार्केट नो डाउट कल 1.25% तक गिर के बंद हुए हैं। यूएस चीन ट्रेड वॉर को लेकर नई चिंताएं पैदा होने लगी हैं। दोनों देशों के जो नेता हैं ट्रंप और जिनपिंग, वो दोनों नहीं मिलेंगे इस महीने, ऐसे पहले उम्मीद बन रही थी। अभी ऐसी खबर निकल के सामने आ रही कि दोनों जो देशों के नेता हैं वो नहीं मिलेंगे ट्रेड वॉर को लेकर। 1 मार्च की डेडलाइन है ट्रेड वॉर को लेकर, और उससे पहले ही बैठक होना बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा रहा था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो इम्पैक्ट है यूएस के मार्केट पर तो हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ आज जो एशियन मार्केट्स खुले हैं उन पर जबरदस्त गिरावट देखने को मिले। खासतौर पर निकेई जैसे मार्केट देखिए 1.5% की गिरावट अब देखने को मिली है। एसजेक निफ्टी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस माहौल में। देखिए अब 31 पॉइंट के आसपास गिरावट, हालांकि लो लेवल से सुधरा है, एक समय 11,050 के नीचे भी चला गया था। तो ये फिर से दिखा रहा है कि देखिए हमारे जो मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। ग्लोबली जो नो डाउट दिक्कत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से एशियन मार्केट्स में गिरावट है उसकी बात करें तो। लेकिन मैं जो स्क्रीन के बॉटम पे चल रहा हूँ टाटा मोटर्स में, तो वही देखता जा रहा हूँ। टाटा मोटर्स का एडीआर 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ये क्या हुआ, क्या इंपेयरमेंट लॉस आ गया, वो कहीं ना कहीं एक ड्रैग साबित हुआ। जेलआर के खुद के मार्जिन से एकदम से रोड हो गए, 3.5% सालाना आधार पर जेलआर के मार्जिन टूटे हैं। ये ना जितने 2008 में शायद इन्होंने एक्वायर किया था जेलआर को, और जितने पैसे देके $2.8 बिलियन के आसपास का ये एक्विजिशन था, उससे ज्यादा तो ये इंपेयरमेंट कर चुके हैं। जितने में कंपनी खरीदी थी उससे ज्यादा का इंपेयरमेंट लॉस ऑलरेडी शो कर चुके हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर जो तेजी कल आपने बहुत बताई थी कुछ स्टॉक्स में होती हुई नजर आएगी, उसमें अदानी गैस था, मेरे सीमैक था, बहुत सारे स्टॉक्स थे कल। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक आपको बताया गया था, अदानी गैस था, उसके साथ साथ सीमैक आपने बताया था, और एक स्टॉक था जिसमें मेरी ओर से बताया गया था BRNL, आपका स्टॉक था जो कि सर्किट फिल्टर बताया गया था, बेहद शानदार वहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला था। देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 9% की तेजी थी, अदानी गैस एक समय काफी ऊपर था, 100 रुपए के आसपास के लेवल भी टच किए थे। BRNL आपने बताया था रजत, 13% का अपमूव स्टॉक में देखने को मिला था, तो शानदार तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। और आज भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे ही धमाकेदार आइडियाज लेके आए होंगे आप। शुरुआत तो मैं टाटा मोटर्स DVR के साथ ही करूंगा, नीचे खुल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 6-7% नीचे खुल जाए तब भी थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड में मिल ही जाएगा। हाँ, क्या बेचना है इसे, इसको लेना है नीचे कि नहीं लेना है किसी को? देखिए अगर 5% नीचे खुलता है तब भी गिरना तो है, गिरना तो है। अब ये देखते हैं कितना गिरता है आज के सत्र में, लेकिन 87 का मैं पहला लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, 96 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। घाटे की फिगर है 26,990 करोड़ की। इनके जो मार्जिन है वो बिल्कुल डैमेज है, जो JLR के मार्जिन रिपोर्ट की उसमें भी 3.5% के आसपास की गिरावट मार्जिन में सालाना आधार पर देखने को मिली है। दिक्कत ये हो गई कि इनको इम्पेयरमेंट करना पड़ गया, और उसकी वजह से एकमुश्त घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों ही आज सेल कॉल हैं। टाटा मोटर्स DVR पे 87 का टारगेट है, 96 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। लेकिन बिल्कुल विपरीत जो चाल पकड़ेगा वो है अरबिंदो फार्मा, जिसके नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 661 करोड़ का मुनाफा आएगा, उसके मुताबिक अब 712 करोड़ का जो मुनाफा है वो अरबिंदो फार्मा ने दर्ज किया है। आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 5,270 करोड़ का आंकड़ा है। इनके जो EBITDA मार्जिन है वो लगभग 20.6% के आए हैं, ये भी ठीक नजर आ रहे हैं। तो अरबिंदो फार्मा एक्टिव हो सकता है, वैसे टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 815 का लक्ष्य रखें आज, और 770 ये एक स्टॉप लॉस लगा कर चलें। चलिए टाटा मोटर्स DVR रजत ने आपको बताया ही, मैं टाटा मोटर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए 27,000 करोड़ रुपये का घाटा है रजत, 1,200 करोड़ रुपये के आसपास का ही मुनाफा कमाते हैं, तो कितने क्वार्टर लगेंगे अगर इनको 27,000 करोड़ रुपये का मुनाफा पूरा करना है, जो घाटा है उसे एक्युमुलेट करना है। तो उस लिहाज से देखा जाए बहुत वीकनेस है। JLR एक समय इनके लिए बहुत बड़ा क्राउन माना जा रहा था, कंपनी कह रही कि हम टर्न अराउंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अब एक मुश्त घाटा यहाँ पर जो बुक कर लिया, उसके बाद अब धीरे धीरे करके पिकअप करेंगे। देखिए पहले दिक्कत थी इनके डोमेस्टिक कारोबार को लेकर, JLR परफॉर्म करता हुआ दिखता था, लेकिन अब JLR को लेकर ही दिक्कतें हैं। हर क्वार्टर में आप देखिए एक नया ही कोई ना कोई एक मुश्त घाटा सामने आता है, कोई नई चीज़ सामने आती है, जिस वजह से इतने बड़े लॉसेस से कंपनी कर रही है। तो उस लिहाज से यहाँ पर भी वही केस है रजत, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि स्टॉक को लेना है नहीं लेना है। अब यहाँ पे जो खरीदारों की कमी है ना, वो स्टॉक को जरूर खलती हुई दिखेगी। देखिए
स्टॉक बहुत गिर चुका है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि डाउनसाइड बाकी है, जिसका कि नंबर्स इस कंपनी रिपोर्ट किए हैं, और खरीदार नहीं होंगे तो उस लिहाज से 165 तक के जो डाउनसाइड है वो भी काउंटर में आज खुल सकते हैं। 185 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। कल ADR 9.5% गिर के बंद हुआ है, उतने ही नहीं लेकिन 7-8% की गिरावट तो बनती है स्टॉक में आज के लिए। 165 का टारगेट होगा आज के लिए। लेकिन एक स्टॉक जिसमें कल गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है वो है रेमंड का। आज हो सकता है कि काउंटर पलटता हो दिखे। देखिए जिन कंसर्न्स के चलते, जिन चिंताओं के चलते स्टॉक में गिरावट हुई थी, कुछ मीडिया में खबरें थी, उन खबरों का इन्होंने खंडन किया है। BSE को दरअसल इन्होंने कल एक क्लेरिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है किसी भी ग्रुप कंपनी को गलत तरीके से सामान नहीं बेचा है। इनफैक्ट इनकी एक ग्रुप कंपनी है जेके इन्वेस्टर्स करके, उसको गलत तरीके से सामान बेचने की खबर थी। माना ये जा रहा था कि जिस तरह से उनको सामान दिया जा रहा है, जो गुड्स बेची जा रही हैं उसको वापस महंगे दाम पर खरीदा जा रहा है, और उस वजह से जो ये कंपनी जिसको सामान बेचा जाता है और बाद में ऊँचे भाव से खरीदा जाता है, उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन कुछ एक एनालिस्ट कम्युनिटी है जिन्होंने इस चीज़ को किया। इनफैक्ट कंपनी खुद सामने आके ये क्लैरिफाई कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी गलत तरीके से इन चीजों को दिखाया गया है। और कल जिस तरह से स्टॉक गिरा है इन कंसर्न्स के चलते, जो क्लैरिफिकेशन कंपनी ने जारी किया है, अगर बाजार उसको सही मानता है तो फिर जो रिकवरी है वो भी काफी शार्प देखने को मिल सकती है। 670 मैंने पहला टारगेट चुना है, हो सकता है 680 और 690 तक के जोन्स भी स्टॉक अप्रोच करता हो दिखे। आप एक 648 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। आज हो सकता है कि स्टॉक में रिवर्सल कल की गिरावट के बाद आना एक लाजमी नजर आ रहा है। स्पेंसर्स रिटेल, इस पे भी नजर रखी जा सकती है। सर्किट फिल्टर में बदलाव हुआ है, अब 142 से 144 तक की रेंज के लिए आप इसे खरीदें, और 132 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और टायर स्टॉक्स निचले सिरों से हरकत बदली है, निचले सिरों से तेजी देखने को मिल रही है अब बहुत ज्यादा पिटाई के बाद। C8 एक ऐसा स्टॉक जहां पर कल के सत्र में भी एक्शन तेज होता हुआ नजर आया। अपोलो टायर इस समय स्ट्रॉन्ग लग रहा है लोअर लेवल से, और C8 पे तो आज खबर ये है कि उन्होंने हलोल प्लांट में ट्रक बस रेडियल टायर का उत्पादन शुरू कर दिया है। कमर्शियल प्रोडक्शन जो शुरू हुआ है वो 7 फरवरी से इस प्लांट से, तमिलनाडु प्लांट से प्रोडक्शन जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। आज के लिए 1165 से 1170 के टारगेट के लिए खरीदें, और 1120 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कोई भी कंपनी जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता है ना, या कोई कैपेसिटी बंद हुई दोबारा रिज्यूम होती है, उसको बाजार काफी पॉजिटिव लेता है। लेकिन दिक्कत यही है रजत, आज की संकेत अच्छे नहीं है तो वो एक जरूर एक डेंट हो सकता है। लेकिन MRPL एक स्टॉक है जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पिट चुका है, जिसकी पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है, और जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं, अब हो सकता है कि शायद एक रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिले। कल वैसे भी अगर आप देखें 2-2.5% के आसपास की मजबूती थी, जो गिरावट का फेज बीते 4 से 5 दिन में इस कंपनी ने दिखाया, उसके बाद कल एक रिवर्सल के साइन जरूर देखने को मिले, एक पुलबैक आया था, और जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसके बाद हो सकता है कि आज फिर से वो जो कल का पुलबैक था आज एक फॉलोअप बाइंग के रूप में देखने को मिले। 81 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले, घाटे के मुकाबले इनफैक्ट 268 करोड़ रुपये का घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। 700 करोड़ रुपये के आसपास का घाटा रहने का अनुमान था। ये मैं तिमाही दर तिमाही आपको नंबर्स बता रहा हूँ, और आय में भी अच्छी खासी बढ़त देख रहा हूँ। लेकिन OMCs के मुकाबले यहाँ पर घाटा हुआ है, OMCs तो घाटे में आई नहीं जा रहा था, तो उसके बेटर OMCs के इसमें क्या था, उनके पास मुनाफे के नंबर थे पीछे बेस के। अगर आप Q2 के नंबर्स की बात करिए, मैं सीक्वेंशली आपको नंबर समझा रहा हूँ, उनके पास मुनाफे का बेस था, वो मुनाफे अगर आप देखें 70-80-90% तक गिरते हुए दिखें। अगर आप IOC HPCL के नंबर्स आए उनमें देखें वो, MRPL की जहाँ तक बात है तो इनके बेस में भी अगर आप देखें 81 करोड़ रुपये का घाटा था, तो घाटा कितना बढ़ता है वो वाली देखने वाली बात थी, क्योंकि ऑलरेडी एक कमज़ोर क्वार्टर था इनके लिए Q2, और उसके सामने एक रूट जिस तरह से गिरा है, इन्वेंट्री लॉसेस बहुत ज़्यादा होने की बातचीत ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन उतने नंबर्स नहीं गिरे हैं, और रजत आप नंबर्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी अगर आप देखें स्टॉक ऑलरेडी नंबर्स को डिस्काउंट कर चुका है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट चुका है बीते कुछ दिनों में अगर आप देखें तो। अब कहीं ना कहीं एक पुलबैक स्टॉक में जरूर देखने को मिल रहा है। कल भी अगर आप देखें 2.5% की मजबूती थी, आज भी एक पुलबैक के लिए ही आप इसमें इनिशिएट करें, क्योंकि गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है। 69 का टारगेट आज के लिए 66 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। और अगला स्टॉक है टिमकेन इंडिया, इसके भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स अगर आप देखें 38% आय बढ़ी है, मुनाफे में करीब 3 गुना के आसपास की बढ़त है। हालांकि छोटा बेस था बीता इस साल का अगर आप क्वार्टर देखें, और अबिडा फ्रंट पे अगर आप देखें कारोबारी मुनाफा 2.7 गुना बढ़ा है, मार्जिन जो कि 7.4% के थे 14.5% के हो गए, यानी कि 2 गुना से ज्यादा की बढ़त मार्जिन फ्रंट पे इस कंपनी ने रिपोर्ट करी है। तो अच्छे नंबर्स के दम पे हो सकता है कि आज 580-585 तक की चाल आती हो दिखे। आप एक 555 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। टिमकेन इंडिया खुलने के बाद अगर नीचे खुलता भी है तो लो लेवल पे आप इसे एक्युमुलेट करके चल सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत समय बाद कहीं ना कहीं रेडार पर आएगा, क्योंकि जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर साउंड कर रहे हैं। 119% मुनाफे में जंप देखने को मिला, इजाफा और फिगर पहुंच गई 180 करोड़। इसके अलावा आय में 22% का इजाफा है, कामकाजी मुनाफा इनका 42% बढ़ा है, और इनके मार्जिन सुधरे हैं, जो 21.5% से वो बढ़कर हो गए हैं 25.2%। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन आज चल सकता है, 42 का एक टारगेट रखें, स्टॉप लॉस 37 का लगाना होगा। मुद्दा यह है कि मार्केट के सेंटीमेंट अगर ठीक रहे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है और जो रिजल्ट्स बेहतर पोस्ट कर रहे हैं उन कंपनियों पर नजर रहेगी, शिपिंग कॉर्पोरेशन आज एक्शन में रह सकता है। चलिए पांचवा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है उसमें अगर आप देखें तो एपेक्स फ्रोजन, ये मेरा EPS शेयर है आज का, जहां पे नंबर्स के दम पे हो सकता है कि मजबूत चाल बनती हुई दिखे। छोटा बेस है यहाँ पे भी, अगर आप आए देखें तो 2.8 गुना बड़ी है,
मुनाफे में 2.6 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन कारोबारी मुनाफा देखिए, यहाँ पे भी 3 गुना की बढ़त है, 75 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर है। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, मार्जिन में भी करीब 1% के आसपास का इंप्रूवमेंट हुआ है। 9.7% थे, वो बढ़कर 10.6% हुए हैं। थोड़ा सा अदर इनकम का सपोर्ट जरूर है 18.5 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन आप उसको भी निकाल दीजिए तब भी आपको जो ग्रोथ है मुनाफे के फ्रंट पे काफी मजबूत नजर आएगी। तो छोटा बेस है, वैसे भी स्टॉक अगर आप देखें काफी ज्यादा हाल फिलहाल पिट चुका है। तो आज नंबर्स के दम पे हो सकता है 335 ये लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर आपको ये लेवल भी दिखे तो फर्दर अपसाइड के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 308-309 के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिए। नंबर्स के दम पे आज हो सकता है काफी मजबूती देखने को मिले। चलिए, लेकिन शुरुआत जो हमने की आज वो टाटा ग्रुप के साथ की, और उसमें भी टाटा मोटर्स DVR दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। नतीजे खराब है, JLR का प्रदर्शन बहुत खराब, ऊपर से इंपेयरमेंट कॉस्ट के चलते एक मुश्त घाटा कंपनी को बुक करना पड़ा। टाटा मोटर्स DVR 87 का टारगेट, बेचे ऐसे 96 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 10% की गिरावट ADR में देखने को मिली है। इसके अलावा औरबिंदो फार्मा, नतीजों के दम पे आज 815 का टारगेट होगा, 770 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। स्पेंसर्स, यहां पर स्पेंसर्स रिटेल के सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हुआ है आज, 142 से 144 का टारगेट रहेगा, 132 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सीएट अपोलो टायर्स, लो लेवल से खरीदारी है, कल सीएट में मजबूती थी, आज हो सकता है तेज। और यहाँ पर तो हलोल प्लांट से इन्होंने टायर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है, ट्रक बस रेडियल टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया 7 फरवरी से। 1165 का टारगेट, 1120 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जरूर फोकस में रखें, क्योंकि तिमाही आधार पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 42 का टारगेट और 37 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स में बिकवाली करके चल सकते हैं, नंबर्स बेहद खराब है, 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा है, और CLSA कह रहा है बेच के चलिए 150 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इंटरडे बेसिस में 165 तक की चाल के लिए अप्रोच कीजिए। रेमंड कल बहुत तेज गिरा था, आज जिस तरह से क्लैरिफिकेशन कंपनी ने जारी किया है उसके बाद हो सकता है एक पुल बैक, एक रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिले। 670 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। MRPL नंबर से पहले बहुत ज्यादा गिर चुका है, हालांकि घाटा बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना अनुमान किया जा रहा था। 69-70 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। टिमकेन, छोटा बेस था पिछले क्वार्टर का, नंबर्स बहुत तेज ग्रोथ दिखा रहे हैं, 580 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और एपेक्स फ्रोजन में भी छोटा बेस है, 3-3 गुना के आसपास की बढ़त मुनाफा बिक्री और कारोबारी मुनाफे में आई है। 335 का टारगेट होगा आज के लिए, 309 रुपए का आप स्टॉप कर सकते हैं। 10 स्टॉक्स अभी तक हमने आपको बताए हैं, जो बाकी बचे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में इनफैक्ट जो अगला शेयर है वो एक रजत बिकवाली कर रहे हैं, जेट एयरवेज, इसके साथ मैं जाना चाहूंगा। हालांकि क्रूड की कीमतें हाई लेवल से थोड़ी सी नम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का न्यूज फ्लो इस कंपनी को लेके है और कोई भी जो एक रेजोल्यूशन है वो नजर नहीं आ रहा है, उसके वजह से हो सकता है कि आज थोड़ा सा बिकवाली का बाहर बढ़ता हो दिखे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, हो सकता है कि लॉन्ग पोजीशन ना कैरी करके जाना चाहे। दरअसल बकाया नहीं चुकाने के चलते 4 एयरक्राफ्ट इनके ग्राउंड हो गए हैं, ऐसा इस कंपनी की ओर से बयान निकल के सामने आया। 3 एयरक्राफ्ट हालांकि दोबारा ऑपरेशन में लाए गए हैं, लेकिन 4 एयरक्राफ्ट नए जो फ्रेश इश्यूज हैं पेमेंट नहीं कर पा रहे, ये उस वजह से ग्राउंड कर दिए गए हैं। तो उसका इंपैक्ट हो सकता है नेगेटिव साइड पर रहे। 225 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 240 रुपए के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। और एक स्टॉक है सोलारा एक्टिव फार्मा, इस स्टॉक अगर आप देखें, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि कुछ बड़ा फंड है जो कि यहाँ पे पैसा डालने वाला है, कुछ फंड इन्फ्यूजन हो सकता है $3 करोड़ के आसपास का, ऐसी खबरें थी। और अब तो आप देखिए, कल जो बल्क ब्लॉक डील का डाटा है उसके मुताबिक BNP पारिबा आर्बिट्राज ने कल करीब 200,000 शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं, 374.98 रुपए, ये वो लेवल है जिसके आसपास ये शेयर खरीदे गए हैं, और उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। और आप देखें करीब 0.8% के आसपास की हिस्सेदारी है जो कि खरीदी गई है इस कंपनी की। तो करेक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है स्टॉक हाई लेवल से, और हम जिस तरह से इन लेवल्स के आसपास भी बड़े फंड हाउसेस निवेश करते हुए दिख रहे हैं, तो आप आउटलुक को लेके सुनिश्चित हो सकते हैं कि काफ़ी बेहतर रह सकता है। 385 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 372 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। एशियन पेंट्स होगा अगला स्टॉक जहां पर खरीदारी की जा सकती है, वो इसलिए क्योंकि कल लेटर हाफ में स्ट्रॉन्ग मूव था, शॉर्ट कवरिंग थी 2% के आसपास, ओपन इंटरेस्ट में फरवरी वायदा में कमी देखने को मिली, प्राइस में इजाफा था, इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। और ये हो सकता है कि आज भी इस स्टॉक पे रहे। 1510 ये आज के दिन का टारगेट लगाएं एशियन पेंट्स पे, और 1460 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वैसे भी क्रूड नर्म हुआ है हायर लेवल से, हो सकता है कि पेंट स्टॉक्स एक्टिव हो, एशियन पेंट्स को रडार पर रखें। और इरकॉन इंटरेस्टिंग पिक होगी क्योंकि सालाना आधार पर नतीजे देखेंगे तो कुछ एक्साइटिंग ही नजर आएंगे, लेकिन इरकॉन अगर आप तिमाही आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर मुनाफे की जो फिगर है उसमें 22% का इजाफा देखने को मिला है। अन्य आय कम होने के बावजूद मुनाफा बढ़ा है इरकॉन का, और हो सकता है कि आज के सत्र में एक्टिव हो जाए ये स्टॉक। 398 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस 387 इरकॉन इंटरनेशनल पे लगाकर चलें, तेजी के सौदे बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए, कल की क्लोजिंग के हिसाब से 387 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा, जब ब्रेक से पहले शायद आपने स्पेंसर रिटेल की बात करी थी, वो सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, रीलिस्टिंग के बाद ये 10 दिन तक ऐसा होता है कि 10 ट्रेडिंग सेशन तक
कोई भी स्टॉक जो है वो टी टू टी कैटेगरी में ट्रेड करता है। तो स्पेंसर रिटेल का जो सर्किट है वो 10% बढ़कर हुआ है, लेकिन मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है सीईएससी वेंचर्स का। दोनों की एक साथ लिस्टिंग हुई थी, जो डीमर्जर हुआ था सीईएससी से, उसके बाद एक कंपनी लिस्ट हुई थी, और सीईएससी वेंचर्स, ये आप सीईएससी का स्टॉक देख रहे हैं, सीईएससी वेंचर्स की बात मैं कर रहा हूँ। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो 470-73 के आसपास ही कल की क्लोजिंग है। सीईएससी वेंचर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें खरीदारी करने की राय है। दरअसल इसका भी जो सर्किट फिल्टर है उसको रिवाइज किया गया है ऊपर की, और जो सर्किट फिल्टर है उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। पहले 5% था, क्योंकि टी टू टी कैटेगरी में जो होता है वो 5% का सर्किट होता है, और उसे बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया, क्योंकि रेगुलर बी ग्रुप में ये स्टॉक अब ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जब ये लिस्टिंग हो रही थी रजत डीमर्जर के बाद, तो हम अनुमान कर रहे थे करीब 500 रुपये के आसपास की इसकी प्राइसिंग है, और अभी भी अगर आप देखिए उस लेवल्स के नीचे ही स्टॉक आपको अवेलेबल है। और जिस तरह से अब सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है तो ट्रेडर्स कहीं ना कहीं अब स्टॉक में एक्टिव होते हुए दिखेंगे। इसी उम्मीद में हो सकता है कि आज एक्शन बनता हो। देखिए 470 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 490 रुपये तक की चाल स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मदरसन सुमी एक स्टॉक है जिसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए रजा, जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल क्यूज खराब इसलिए हैं क्योंकि यूएस चीन को लेके जो ट्रेड वार्ता है उसको लेके जो नए कंसर्न्स हैं, नई चिंताएं पैदा होने लगी हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, इनके बीच में कोई भी बैठक नहीं होगी, जो एक मार्च की डेडलाइन है जब यूएस अपने टैरिफ बढ़ा देगा चीन के ऊपर। उससे पहले माना जा रहा था कि दोनों देशों के जो नेता हैं वो बातचीत करते हुए दिखेंगे, उनके बीच में एक बैठक होगी। तो शायद एक सुलह की उम्मीद थी, एक सहमति की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच में बैठक नहीं होगी। तो ट्रेड वॉर को लेकर जो नई चिंताएं पैदा हो रही हैं उससे मेटल स्टॉक्स एक तो इंपैक्टेड रहेंगे, और उसके साथ साथ मदरसन सुमी जिनका ग्लोबल कारोबार बहुत ज्यादा है, कल ऑलरेडी 3% के आसपास की मजबूती थी इस काउंटर में, आज हो सकता है काउंटर रीट्रेस होता हो। देखिए इन कंसर्न्स के चलते ही 137 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए, 144 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। चलिए, लेकिन एक कंपनी है गोवा कार्बन जिस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जनवरी के जो बिक्री आंकड़े रिलीज किए हैं उसमें सुधार देखने को मिला, उत्पादन बढ़ा है, जनवरी में उत्पादन 174% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गोवा कार्बन का बढ़ता हुआ नजर आया है। तेज हो सकता है ये, 450 के लक्ष्य के लिए इसको अपने रडार पर रखें, और 430 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस गोवा कार्बन पे लगाना होगा। प्रिसीजन कैमशाफ्ट, आमतौर पर चर्चा कम होती है स्टॉक की, लेकिन जो नतीजे हैं उसमें तिमाही और सालाना आधार दोनों पे नतीजे बेहतर साउंड कर रहे हैं। सालाना आधार पर मुनाफे की फिगर 22% बढ़ी है, ब्याज लागत में कमी जो हुई है उसके कारण यहाँ पर मुनाफे की फिगर बेहतर आती हुई नजर आई है। आज के लिए 62 का लक्ष्य रखें और 55 ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का सौदा बना सकते हैं और दिन भर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं प्रिसीजन कैमशाफ्ट। चलिए अब आखिरी शेयर बताने की बारी है मेरी से, जो सुपरहिट शेयर है रजत, वो भी आज बिकवाली का ट्रेड है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बिकवाली का ट्रेड लेके आए, लेकिन टाटा स्टील एक स्टॉक है जिसपे आज आपको नजर रखनी होगी। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में बड़ी बिकवाली आज के दिन में देखने को मिल सकती है। मुझे पता है आप कहेंगे कि इसके नंबर्स आने वाले हैं, रिजल्ट से पहले आप क्यों बिकवाली कर रहे हैं। देखिए मैं इसका पोल भी पढ़ रहा था, हम कह रहे हैं कि इसकी जो आय है वो 20% बढ़ेगी, लेकिन जो मुनाफा है महज 5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा। बीता पूरा साल देखिए जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग रहे हैं, स्टील कंपनी ने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन आपको ये भी याद होगा रजत नवंबर में प्राइजेस पीक कर गए थे। नवंबर के बाद से अगर आप देखें तो लगातार जो स्टील कंपनियों ने अपनी कीमतें घटाई हैं, तो ये क्वार्टर की जहां तक बात है तो पिछले साल के लो बेस से आपको नंबर्स तो ठीक ठाक ऊपर दिखेंगे, लेकिन नंबर्स में कमजोरी साफ तौर पे नजर आएगी अगर आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि इनके जो रिलेशंस हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे डिप होते हुए दिखेंगे। और वैसे भी जो ट्रेड वॉर की चिंताएं हैं उस बीच में आज मेटल स्टॉक्स पे टाई होना लाजमी नजर आ रहा है। 470 रुपए का टारगेट मैंने इसीलिए लिया है, 491 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, लेकिन एक कंपनी है सेरेब्रा इंटीग्रेटेड जिस पे नजर रखनी है, आमतौर पर चर्चा इस काउंटर की कम होती है, लेकिन खबर यहाँ पर यह है कि इन्होंने करार किया है, और एक करार किया है सैमसंग के साथ जिसमें ई वेस्ट को लेकर यहाँ पर सेवाएं जो है वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को देंगे, और ये एक बड़ा करार समझा जा रहा है सेरेब्रा इंटीग्रेटेड के लिए। आप इसको आज अपने रेडार पर रखें, 33 तक के टारगेट, एग्रेसिव टारगेट दे रहा हूं मैं स्टॉक में, और 27.5 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर इसको आज खरीदा जा सकता है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी जिसमें आज रिटर्न्स बहुत तगड़े मिल सकते हैं। इनफैक्ट काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, मुझे अगर सही याद है तो 40 के ऊपर भी स्टॉक गया है, और मुझे भी पहले भी याद है शायद बहुत पहले मैंने 15-20 रुपए की रेंज में भी स्टॉक को रिकमेंड किया और जबरदस्त रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। लेकिन जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। मैंने शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करी थी, घाटा है 27,000 करोड़ रुपए का, एडीआर 9.5% गिरा है, और सीएलएसई ने 150 रुपए का टारगेट दिया है। आज 161 का टारगेट लेके आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। रेमंड कल गिरा था, आज रिवर्सल हो सकता है, कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। 670 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 648 का स्टॉप लॉस रखें। एमआरपीएल नंबर्स उतने खराब नहीं है जितने एक्सपेक्टेड थे, और स्टॉक बहुत गिर चुका है। आज 69 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 66 का स्टॉप लॉस रखें। टिमकेन छोटे बेस से मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है, 580 का टारगेट होगा, 555 का स्टॉप लॉस रखें। और एपेक्स फ्रोजन में भी छोटे बेस के चलते मुनाफे और कारोबारी मुनाफे में बहुत तेज बढ़त देखने को मिली है, 335 रुपए का लक्ष्य होगा, 309 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन जेट एयरवेज चार और
और प्लेन इनके ग्राउंड हो गए हैं, पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, ये शॉर्ट करके चल सकते हैं जेट एयरवेज को। आज 225 का लक्ष्य होगा। सोलारा एक्टिव बीएनपी पारिवा आर्बिट्राज ने कल 2 लाख शेयर अक्वायर किए हैं 385 रुपए का लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें। सीएससी वेंचर्स लिस्टिंग जो हुई थी उसके बाद अब सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, टी2टी से बाहर आया, ये 490 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कीजिए। और टाटा स्टील और मदरसन सुमी, ये दो स्टॉक्स हैं बिकवाली के लिए, क्योंकि चीन और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर की चिंताएं फिर से गहराने लगी हैं, मेटल्स पे और उसके साथ साथ ग्लोबल जिनका काफी कारोबार है उन पे प्रेशर रहेगा। टाटा स्टील में 470, मदरसन सुमी में 137 का टारगेट। टाटा मोटर्स डीवीआर पहला स्टॉक बेचकर चल सकते हैं, एडीआर भी टाटा मोटर्स का लगभग 10% टूटा, नतीजे खराब है टाटा मोटर्स के। डीवीआर आज के लिए 87 का टारगेट, 96 का स्टॉप लॉस। औरबिंदो फार्मा के नतीजे बेहतर, 815 तक की चाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 770 का स्टॉप लॉस। स्पेंसर्स रिटेल और सीएट दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन तेज हो सकता है, खरीदारी के सौदे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तिमाही दर तिमाही आधार पर घाटे से मुनाफे में आई है, 42 का टारगेट 37 का लगा लीजिए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। इसके अलावा एशियन पेंट्स और इरकॉन जैसे जो स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और गोवा कार्बन के प्रोडक्शन आंकड़े बेहतर आए जनवरी महीने के, प्रिसीजन कैपचार्ट में नजर रखें, 62 का टारगेट 55 का स्टॉप लॉस। और सेरेफेरा इंटीग्रेटेड आमतौर पर चर्चा कम होती है स्टॉक की, लेकिन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, आज 33 का टारगेट है, 2750 का स्टॉप लॉस। चलिए फास्ट मनी में आज के लिए इतना है, लेकिन जो ट्रेड वॉर की चिंताएं फिर से गहराने लगी, हैंगसिंग का मार्केट देखिए 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है, तो ट्रेड वॉर का इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पे कितना होगा इसे समझने की कोशिश करेंगे।